ये है भारत की बेइंतहा खूबसूरत जगहों में से एक कश्मीर, जो कई सालों से राष्ट्रपति शासन के नीचे रहा है। यहाँ नजारे तो बहुत खूबसूरत है साहब, लेकिन पूरे 5 सालों तक वक्त ऐसा रहा कि राज्य के पास ना तो मंत्री परिषद था और ना ही अपना कोई मुख्यमंत्री। यहाँ लोग आराम से रह तो रहे थे, लेकिन हर वक्त गली चौराहे पर डिप्लॉयड आर्मी के चलते हालात काफी अनस्टेबल थे। आलम तो ये था कि कश्मीरी लोगों के पास अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था, और ये हाल केवल कश्मीर का नहीं बल्कि हर उस स्टेट या फिर रीजन का होता है जहां राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये राष्ट्रपति शासन के क्या मायने हैं, इसे क्यों लगाया जाता है, और इसके बीच लोग किस हालत में जीते हैं और उनकी जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, राष्ट्रपति शासन इस शब्द का असली मतलब है कि किसी राज्य का नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति के पास चले जाना। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए राज्य के राज्यपाल को एग्जीक्यूटिव पावर दे देती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352, 356 और 365 में प्रेसिडेंशियल रूल से जुड़े प्रोविजंस दिए गए। आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अगर वो इस बात से सेटिस्फाइड हों कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो उस हालात में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के अंडर इकोनॉमिक इमरजेंसी की कंडीशन में भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब आइए समझते हैं कि किन सिचुएशंस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और इसमें क्या कुछ कंडीशंस होती है। देखिए, अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो या फिर जिस पार्टी को बहुमत मिला हो वो सरकार बनाने से इनकार कर दे और गवर्नर को दूसरा कोई ऐसा दल ना मिले जो सरकार बनाने की कंडीशन में हो, फिर इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसके अलावा राज्य सरकार असेंबली में हार के बाद इस्तीफा दे दे और दूसरे दल सरकार बनाने की कंडीशन में नहीं हो, तो इसमें भी बात यह होती है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स का पालन ना किया हो तो ऐसा हो सकता है। साथ ही कोई राज्य सरकार जानबूझकर इंटरनल डिस्टरबेंस को जन्म दे रही हो या फिर राज्य सरकार अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस का सस्टेन्स नहीं कर रही हो, तब भी इस शासन को लगाया जा सकता है। अब ये तो बात रही वो राष्ट्रपति शासन के लागू होने की बात। अब ये भी जान लीजिए कि ये चलता कब तक है, यानी किसी भी राज्य में कब तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो इसके लागू होने के 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से इसे अप्रूव हो जाना चाहिए। दोनों सदनों में इसका अप्रूवल होने के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चल सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में अब तक करीब 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, और भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में साल 1951 में लगाया गया था। इसके अलावा संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात कही गई है। पहला राष्ट्रपति आपातकाल आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, तीसरा वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसे 2 और नामों से भी जाना जाता है, संवैधानिक आपातकाल, राज्य आपातकाल। और यहाँ पर आपको बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होने की सिचुएशन में इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। अब चलिए ये जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं। दरअसल राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के लीडरशिप वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर देता है, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के काम राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और उस पर गवर्नर और बाकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन में गवर्नर, स्टेट सेक्रेटरी या राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किसी कंसल्टेंट की मदद से शासन चलाते हैं। बता दें कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो ये घोषणा कर सकते हैं कि भाई स्टेट लेजिस्लेचर की शक्तियों का इस्तेमाल संसद करेगी और संसद स्टेट बिल्स और बजट रेजोल्यूशन को पास कर सकती है। इससे संसद को ये राइट मिल जाता है कि वो स्टेट के लिए कानून बनाने की पावर प्रेसिडेंट या उनके द्वारा किसी नॉमिनेट ऑफिसर को दे सकती है। अब यहीं अगर संसद नहीं चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए कोई ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। ये सब जानने के बाद तो आपके दिमाग में भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि राष्ट्रपति शासन में क्या होता है, क्या सभी काम बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति को 3 सेक्शन के अंडर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट की पावर मिली हुई है। सेक्शन 352 के तहत युद्ध या विदेशी आक्रमण की कंडीशन में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो सेक्शन 360 के तहत इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि
छह महीने या फिर एक साल ही होती है। राष्ट्रपति शासन को एक साल पूरा होने के बाद भी आगे पढ़ाना है तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेनी होती है, और अगर इलेक्शन कमीशन परमिशन दे भी देता है तो राष्ट्रपति शासन तीन साल की अवधि से ज्यादा नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति शासन के दौरान भी गवर्नर पॉलिटिकल पार्टीज को बहुमत साबित करने के लिए इन्विटेशन दे सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि किन किन कंडीशंस में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास असेंबली डिसॉल्व करने के खिलाफ अपील की जाती है और कोर्ट अपनी जांच में ये पता लगाते हैं कि राज्य असेंबली को झूठे या इररिलेवेंट मुद्दे के आधार पर डिसॉल्व किया गया है, तो कोर्ट असेंबली का डिसॉल्व किया जाना रोक सकता है। इस तरह असेंबली डिसॉल्व करने का राष्ट्रपति का फैसला आखिरी फैसला नहीं है और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। बता दें कि सन 1994 से पहले राज्य असेंबली को डिसॉल्व करने के तरीकों के बारे में बहुत बड़े लेवल पर निंदा हुई थी। कई लोगों का मानना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने से अलग पार्टी की सरकारों को गैर वाजिब कारणों से हटा रही थी, इसलिए इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में उन कारणों की एक्सप्लेनेशन की जिनके बेसिस पर किसी राज्य की असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति शासन कैसे हटाया जाता है? देखिए, तो असेंबली सस्पेंडेड किए जाने पर राष्ट्रपति शासन कभी भी हटाया जा सकता है और असेंबली अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट सकती है, यानी एक महीने या दो महीने बाद जब भी कभी सरकार बनने की स्थिति बने तो राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है। अब अगर राष्ट्रपति शासन के आदेश में असेंबली डिसॉल्व की जाती है तो फिर छह महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन रहता है और इन छह महीनों के अंदर अंदर राज्य में असेंबली चुनाव कराने पड़ते हैं। सस्पेंशन के स्टेटस में राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस अवधि के अंदर सरकार बनानी होती है। अगर राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए और बढ़ाना है तो संसद के दोनों चैम्बर से अप्रूवल लेना होता है। साल 2021 की बात है साहब, जब पुडुचेरी में तीन महीने बाद ही असेंबली इलेक्शंस होने थे, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस सरकार गिर जाने के कारण ऐसी सिचुएशन बन गई कि राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के बयान के मुताबिक पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और किसी पार्टी ने नई सरकार बनाने के लिए कोई दावा नहीं किया। इस सिचुएशन में यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति के पास प्रपोजल भेज दिया कि भाई असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए। अब यहाँ पर राष्ट्रपति के आदेश के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया। असल में इस्तीफा देने वाले पुडुचेरी सीएम वी नारायण सामी ने भाजपा समेत ओपोजिशन पार्टियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने रूलिंग कोएलिशन के विधायक तोड़े, जिससे सरकार गिरने की नौबत आई। 26 सदस्यों वाली असेंबली में कांग्रेस और डीएमके के 6 विधायकों के इस्तीफे के बाद गठबंधन के पास बहुमत नहीं रहा। अब जानने की बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में लग जाता है तो इसका मतलब और नतीजा क्या होता है। ऐसे सिचुएशन में राष्ट्रपति शासन के दौरान पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? तो देखिए, रूलिंग कोएलिशन के टूटने या फिर असेंबली के त्रिशंकु हो जाने के हालात में ऐसा नहीं है कि राज्य की सियासी पार्टियों के रास्ते बंद हो जाएं। होता यह है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी भी समय कोई भी राजनीतिक पार्टी गवर्नर के पास जाकर सदन में अपना बहुमत या मेजॉरिटी साबित करने का प्रपोजल दे सकती है और बहुमत के बेसिस पर सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति शासन वाले स्टेट में इलेक्शन कमीशन नए सिरे से चुनाव करवा सकता है। क्या राष्ट्रपति शासन से लोगों पर असर पड़ता है? तो बता दें कि राष्ट्रपति शासन से रोजमर्रा के जीवन पर कोई खासा असर नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग जाने पर राज्य में न्यू पॉलिसीज और न्यू लॉज भी नहीं बनते। आसान भाषा में कहें तो बड़े फैसले नहीं हो पाते, लेकिन प्रशासन चलता रहता है। इस दौरान राज्य में कोई प्रोजेक्ट भी पास होने की पॉसिबिलिटी भी ना के बराबर ही रहती है। मोदी के प्रधानमंत्री रहते 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा, इंदिरा गांधी के समय में सबसे ज्यादा यानी 51 बार लगा था। पुडुचेरी में नारायण सामी की सरकार गिरने के 3 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि मुख्यमंत्री नारायण सामी फ्लोर टेस्ट में साल 2021 में बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल तमिलीसाई सुंदर राजन को इस्तीफा सौंप दिया था। पुडुचेरी में 20 साल पहले भी राष्ट्रपति शासन लगा था। बता दें कि 20 साल पहले 4 मार्च 1991 से 3 जुलाई 1991 तक 121 दिनों के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद से देश में अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते सबसे ज्यादा 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा था और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते अब तक 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है।
वहीं रामनाथ कोविंद चौथी बार राष्ट्रपति शासन लागू कर चुके हैं। पहली बार 1951 में लगा था राष्ट्रपति शासन। देखिए, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की व्याख्या संविधान के आर्टिकल 356 में की गई है। संविधान लागू होने के बाद पंजाब पहला राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कांग्रेस में फूट की वजह से यहां 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते 7 बार राष्ट्रपति शासन लगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार में सिर्फ केरल में ही राष्ट्रपति शासन लगा था, वो भी इसलिए क्योंकि वहां चुनाव में कोई भी पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। इंदिरा के शासन में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगा। इंदिरा गांधी का इमरजेंसी से पहले और बाद में बतौर प्रधानमंत्री कुल 15 साल का कार्यकाल रहा। इस दौरान 1966 से 1977 के बीच 36 बार और 1980 से 1984 के बीच 15 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। इस तरह उनके प्रधानमंत्री रहते रिकॉर्ड 51 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका था। फिर इमरजेंसी खत्म होने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं। जनता पार्टी के 3 साल के कार्यकाल में कुल 21 मौके ऐसे आए जब अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा। इस दौरान मोरारजी देसाई के अलावा चरण सिंह भी करीब 6 महीने के लिए कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे। इनमें 17 बार मोरारजी देसाई और 4 बार चरण सिंह के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा था। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद जनवरी 1980 में इंदिरा गांधी चौथी बार प्रधानमंत्री बनी और फरवरी में एक साथ 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। मोदी के प्रधानमंत्री रहते 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा। नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री की पद की शपथ ली थी। उनकी सरकार में पहली बार 28 सितंबर 2014 से 31 अक्टूबर 2014 तक महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उस वक्त महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उनकी सरकार में जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देश के लगभग सभी राज्यों में कम से कम एक बार राष्ट्रपति शासन लगा। 13 राज्यों में 4 या इससे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मणिपुर में सबसे ज्यादा 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां 9 बार राष्ट्रपति शासन लगा। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा दिन तक गवर्नर और राष्ट्रपति शासन लागू रहने के मामले में जम्मू कश्मीर सबसे आगे। यहां गवर्नर और राष्ट्रपति शासन लगे 12.5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी यहां राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहले आर्टिकल 370 लागू था, इस वजह से यहां गवर्नर शासन लगाया जाता था। पंजाब में 80 के दशक में एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज के चलते 1987 से 92 के बीच लगातार 5 साल राष्ट्रपति शासन लागू रहा। यह पहला मौका था जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रखने की मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा दिन तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। पंजाब में इसे 3 से 5 साल करने पर संविधान में इसका मेंशन भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में 1990 से 96 के बीच आतंकी गतिविधियां बढ़ने और कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के फेलियर की वजह से लगातार 6 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ये दूसरी बार था जब संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति शासन की मैक्सिमम लिमिट को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में 1973 में पुलिस विद्रोह के कारण 5 महीने तक और 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद भड़के दंगों के चलते पूरे 1 साल तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। मणिपुर में 1972 में राज्य के पुनर्गठन, 1979 से 1980 के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने के चलते और 1993 से 94 में नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा। वहीं आंध्र प्रदेश में 1973 में अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग के लिए हुए हिंसक आंदोलन से राज्य सरकार निपटने में असफल रही। इसके बाद यहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया जो करीब 11 महीनों तक लागू रहा। तमिलनाडु में 1976 में राज्यपाल की सिफारिश पर सेंट्रल कैबिनेट ने राष्ट्रपति को प्रपोजल भेजा। राज्य में भ्रष्टाचार को इसका कारण बताया गया। तो अब तक लगभग सभी भारतीय राज्यों में 1 या 1 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, सिवाय छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को छोड़कर। भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में प्रोविजंस दिए गए हैं। भारत में 1950 से 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। दोस्तों, क्या आपके भी स्टेट में कभी राष्ट्रपति शासन लगाए? हमें अपने स्टेट का नाम कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।